Some people they come begging me, brother give me some job because I don't have any food to eat. Um, and you get this every day? Every day, every week. And reveal widespread visa fraud and a nationwide investigation into modern slavery in the care sector. Hello guys, welcome once again. तो आज की वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ यहाँ पे यूके में हेल्थ केयर वर्कर जो कि स्पेशली इंटरनेशनली आते हैं यहाँ पे एज ए केरर सीनियर केयर उनकी सिचुएशन यूके में क्या होती है क्या जॉब की सिचुएशन है क्या ग्राउंड रियलिटी है ये सब बात तो करेंगे करेंगे हम साथ में साथ में मैं आपको स्काई न्यूज़ की तरफ से एक जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी एक ऑपरेशन चलाया गया था केयरर्स की हालत को लेके वो भी मैं साथ साथ में शो करूंगी कि एक्चुअली में ग्राउंड में चल क्या रहा है यूके में तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाएगी होपफुली आज की वीडियो काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी अगर आप सोच रहे हो यूके में आने का एज ए केरर तो हो सकता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे कि आप डिसाइड कर पाओ कि आपको इस वीज़ा पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को कर रहे हो फर्स्ट टाइम विजिट तो मेरा नाम है गुरप्रीत आप देख रहे हैं यू मी

there are so many so many i met a lot here and so many are still coming after i've come here what we've found is just how widespread abuse of the skilled worker visa system is in different communities and around the country again and again people telling us the same story some are getting here and finding there's no work others are using it as a route to reach तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा जो लोग स्किल वर्कर वीज़ा पे हेल्थ केयर पे स्पेशली यहाँ पे आ रहे हैं काफ़ी बड़ा अमाउंट पे करके आते हैं कुछ लोग टेन थाउजेंड पे करते हैं और कुछ लोग ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तक भी पे करके आते हैं और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पर्टिकुलर एक कंट्री से डिफरेंट कंट्रीज ऑल कंट्री ओवर द वर्ल्ड लोग यहाँ पे मूव कर रहे हैं क्योंकि पहले डिपेंडेंट के साथ अलाव था तो नंबर बहुत ही ज़्यादा था पर अभी भी नंबर कम नहीं हुआ है सिंगल एप्लीकेंट अभी भी बहुत लोग इस वीज़ा कैटेगरी में आना चाहते हैं पर यहाँ पे आने के बाद उनकी सिचुएशन बहुत ही बुरी हो जाती है रीजन उनमें से काफ़ी कंपनीज फेक हैं जिनके पास कोई काम ही नहीं है लोगों को कभी बुलाया तक नहीं जाता काम पे जिसके कारण लोग यहाँ पे सफर करते हैं क्योंकि आपको कोई और काम अलाउड नहीं होता। बहुत लोग ये क्वेश्चन पुट करते हैं वेयर हाउस में जॉब कर ले कहीं कंपनी में जॉब कर ले या फिर कोई डिलीवरी की जॉब कर ले तो ऐसा कोई भी काम आपको नहीं अलाउ होता आपको 20 आवर जॉब अलाउ होती है इन सेम फील्ड और शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में जो 12 चौदह जॉब्स इस टाइम पे रह गई हैं क्योंकि उससे भी कम कर दिया गया है तो वही जॉब आप करने के लिए एलिजिबल रहते हो और उन जॉब्स को मिलना भी बहुत ही हार्ड हो चुका है इस टाइम पे जिसके कारण काफ़ी लोग तो ऐसे हैं जो कुछ मंथ से जो अपने घर का खर्चा है अपने घर के रेंट है वो भी बैक कंट्री से मिलना भी बहुत ही हार्ड हो चुका है इस टाइम पे तो क्योंकि जॉब मिल नहीं पाती आपकी फील्ड में आपको जॉब नहीं मिल रही माइग्रेंट नोकिंग We are looking for a work permit, uh, like uh, most of the care homes uh, 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 giving a work permit or uh, jobs. Inside, staff didn't want to be identified, but told us they're constantly being contacted by companies they've never heard of offering them carers. We probably get about four or five calls a day asking if we need any agency staff. And a lot of now are phoning and offering that they'll do a free shift. And in terms of the knocks on the door from people asking for work, how often is that? Two or three times a day, I'd say. It's happening because some companies are illegally charging for work visas and then failing to provide jobs. So, the situation is very bad. here. Those people who are coming in this category, the so, companies are fake. Only fake agencies set up since February 2022, when the government began allowing carers in on skilled worker visas. So I think it's it's very very close to people trafficking. तो यहाँ पे स्कैम सिर्फ केरल के साथ ही नहीं हो रहा यहाँ पे काफ़ी कंपनीज के साथ भी एजेंसीज एंड सॉलिसिटर्स स्कैम कर रहे हैं वो बोलते हैं कि आप अपना लाइसेंस ले लो हम आपको वर्कर्स प्रोवाइड करेंगे पर वो वर्कर्स से चार्ज करते हैं एंड कंपनी को पता भी नहीं होता This care home owner in Milton Keynes had to pause overseas recruitment after finding out an agent he'd paid had also illegally charged a worker for her visa.

Many in the care sector. in case, आप उस us में हो जिसका jiska license हो गया तो to आपका aapka भी बहुत जल्दी jaldi हो जाएगा jayega बी आई आपको mail कर देगी इस time पे mails थोड़ी late आ रही है but still क्योंकि अगर आपकी कंपनी का लाइसेंस नहीं है तो इट मीन्स आपका वीजा भी नहीं है आज आज के दो चार मंथ के बाद आपको ये पता ही जाएगा कि आपके पास 60 डेज का टाइम है इस कंट्री को लीव करने के लिए एंड उसके बाद आपको देश छोड़ना पड़ेगा या फिर आप इलीगल हो जाओ ऑफकोर्स जो यूके भी आई तो ऐसा नहीं बोलती पर जो ऑनली एक रास्ता होता है वो यही रहता है आपके पास और ये कोई फर्स्ट वीडियो नहीं है मैंने भी इससे पहले काफ़ी वीडियोस बनाई थी और भी काफ़ी चीज़ें काफ़ी वीडियोस इसके बारे में आती रहती हैं बट स्टिल काफ़ी लोगों को ये रियलिटी पहली पता होती है लोग स्टिल यहाँ पे आना प्रेफर करते हैं क्योंकि उनकी प्रायोरिटी होती है यूके में आना ना कि यहाँ पर क्या लाइफ है एंड कैसे वो सर्वाइव कर पाएंगे Told. Before they arrive that you will have no jobs, you're only arriving here, and they do pay a lot of money. And so, it's a way to get to the UK just to get to the UK. It does shock me, and it is frustrating. Um, who are you frustrated with? We're not only frustrated with the c people that are coming in uh, knowingly, we're also frustrated. With the government for creating this mess. इस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी अगर ऐसी आप और हेल्पफुल वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो इसके अलावा आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हो उन सब का जो लिंक है नीचे मैंने एक लिंक ट्री का लिंक दिया हुआ है जिसको क्लिक करने से आपको सारे के साथ सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेरे वन क्लिक पे मिल जाएंगे एंड आप मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन की Subscribing, keep supporting, bye!